प्यार तो यार होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवीन यार एक ग्लास और लियो प्लीज। बैठी रहो। आपका कसूर नहीं है अब्बा, वो एक्चुअली मैंने आपकी लॉटरी खुलने से रोक दी ना। यू कॉल शी मनोज खड़ी थी जब तुम पैदा हुए थे। अम्मी आपने मेरे साथ वदीमियों के घर जाना। वदीमा से मोहब्बत करके मैंने सब कुछ गंवाया ही है, अब मुझे कोई खौफ ही नहीं है। वैसे आपस की बात है, मैंने अपनी बेटी की परवरिश ना अपने असूलों के तहत की है, मुझे किसी लेक्चर की जरूरत नहीं है। अच्छे से जानता हूं आपने कैसे परवरिश की अपनी बेटी की। बाबा मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि किस चीज पे साइन ली जा रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल करने की। मैं साइन नहीं करूंगी बेटा। बर्दाश्त करने की जरूरत है, करोड़ों की जायदाद है यार, कुछ महीनों में तुम्हारे नाम हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तेरी छाओं में के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं। व्यूअर जब सालार अपनी माँ से बोलता है कि तुमने मेरे साथ वदीमा के घर रिश्ता लेने के लिए जाना है, तो सालार का बाप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सालार को बोल देता है कि अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ वदीमा के घर रिश्ता लेने जाएगी तो मेरी तरफ से ये फारग है और मैं इसे तलाक दे दूंगा, इसे भी फिर अपने साथ लेके चले जाना, और तुम तो इसी फुर्सत मेरा घर छोड़ के अभी कैबन निकल जाओ, तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मैंने तुम्हें इस दिन के लिए बड़ा नहीं किया था कि तुम अपनी मनमानियाँ करते फिरो, बल्कि मैंने तुम पर जितने खर्चे किए हैं मैं तुम्हारी शादी उस जगह करवाना चाहता हूँ जहाँ से मुझे ये सब खर्चे वापस मिल सके। और सालार अपनी माँ की मजबूरी को देखते हुए उसको अपने साथ वदीमा के घर लेके जाने के लिए छोड़ देता है और बाप के हाथों मजबूर होकर वो अपना घर छोड़ देता है और कहीं और रहने के लिए चला जाता है। और सालार को वदीमा के घर उसका रिश्ता लेने के लिए चला जाएगा और उसके बाप से बोलेगा कि वदीमा को मैं पसंद करता हूँ, उसकी शादी आप मुझसे करवा दें। व्यूअर्स आपको क्या लगता है, ये बात सुनने के बाद वदीमा के बाप का क्या रिएक्शन होगा, क्या वो सालार को दोबारा पुलिस के हवाले करेगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा।